ज़्यादातर पेरेंट्स का यही एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे हेल्दी फूड खाने के लिए जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं। सारे ज़्यादातर बच्चों को आज पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट केक, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, रेडीमेड फ्रूट जूस, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो आपके बच्चे को हेल्दी फूड खाने के लिए कैसे कन्विंस करना है, उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके बच्चे को जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, हेल्दी चीज़ें, उसके बेनिफिट समझाइए कि बेटा आपसे ये खाने से आपका मेमोरी बढ़ेगा, आपका ताकत बढ़ेगा, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। इस तरह से उसको आप एक्सप्लेन करिए उसके बेनिफिट्स के, आपको विटामिन्स मिनरल्स वगैरह मिलेगा। जब भी आप जाओ कहीं शॉपिंग करने, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ले रहे हो, तो अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करें, उसको चूज़ करने दीजिए कि बेटा आपको कौन सा इसमें से लेना है। कुकिंग में भी उसको इन्वॉल्व करिए, जो भी वो हेल्प कर सकता है थोड़ी बहुत उसको हेल्प करने दीजिए। थोड़ा क्रिएटिव बनिए, छोटे बच्चे में ऐसा देखा गया है कि अगर उसकी फेवरेट कार्टून वाली डिश में आपने दिया, या जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल है प्रॉपर जैसे सर्कल शेप है, ट्राइंगुलर है, स्क्वायर शेप में कट किया है, उसके फेवरेट कार्टून के कैरेक्टर के शेप में आपने कट किया है, तो वो जल्दी खाएगा। तो ये सारी चीज़ें छोटे बच्चे इजीली उसमें कन्विंस होते हैं। उसके अलावा बच्चे को कभी ऑर्डर मत दीजिए कि बेटा आज आपको यही खाना है या ये, तो उसके बदले उसको आप ऑप्शन दीजिए, और ऑलवेज हेल्दी ऑप्शन ही दीजिए। जैसे कि आज आपको राजमा, छोले, सलाद और स्प्राउट्स में से एक चीज़ चूज़ करनी है, तो सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं वो चूज़ करेगा, उसको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने चूज़ किया, वो मेरी मम्मी ने बनाया है। बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी रखिए, इमोशनल कनेक्टिविटी, और एक रैपोर्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि अगर आपके वो कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बच्चा आपका मानेगा ही नहीं। सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे, लेकिन ये पॉइंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे को थोड़ा उसको इमोशनल कनेक्टिविटी रखिए आप बच्चे के साथ। उसके अलावा अनहेल्दी चीज़ें आप घर पे अवॉइड करिए लेना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, कोई पैकेट फूड वगैरह है, क्योंकि ये आपके डाइनिंग टेबल में या फ्रीज में कहीं पड़ा होगा तो आप 2 4 5 दिन उसको अवॉइड करोगे, चौथे पांचवें छठे दिन तो अगर आपकी नज़र के सामने होगा तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बच्चों में ऐसा देखा गया कि हेल्दी टेस्टी डिश ज़्यादा पसंद है। तो जैसे आप फ्रेंकीज़ अगर आप बना रहे हो तो उसमें वेजिटेबल डाल दीजिए पीनट बटर लगा के, इस तरह की आप वैरायटी आप बना सकते हो। होममेड फूड्स ज़्यादा प्रेफर करिए, और कभी भी बच्चों में ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रहिए, कभी ओकेजनली उसको 10 15 दिन में एक आध बार उसकी फेवरेट चीज़ भी खाने ले जाइए, तो उसको पनिशमेंट जैसा ना लगे। और सेट एन एग्जाम्पल, मतलब छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की फूड हैबिट्स को कॉपी करते हैं, तो आपको अगर बच्चे को कन्विंस करना है हेल्दी फूड्स खाने के लिए, तो आपको भी हेल्दी फूड्स का जो हैबिट है वो एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो था बच्चे को हेल्दी फूड के लिए कैसे कन्विंस करें। अगर अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करिए। मैं डॉक्टर गुरजीत परमार, लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट अहमदाबाद गुजरात से, बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या टिप्स है, उसका दूसरा वीडियो का लिंक मैंने नीचे शेयर किया है। और यहाँ पे हेल्दी स्नैक ऑप्शन, स्मार्ट डाइट टूल्स चाइल्ड फॉर चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये सारे वीडियो के लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड की गई है। आपके बच्चे का नॉर्मल वेट और हाइट कितना होना चाहिए, उसका पूरा चार्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।